हर हर महादेव, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि ज्येष्ठ मास की जो अमावस्या होती है वह बट सावित्री अमावस्या के नाम से प्रसिद्ध होती है, और इस दिन महिलाएं, जो सौभाग्यशाली महिलाएं हैं, सुहागन महिलाएं हैं, व्रत करती हैं, पूजन करती हैं, बट वृक्ष का पूजन करती हैं। बहुत ही सुंदर दिन है ये, क्योंकि इस दिन सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज से छुड़ा कर लाई थी। आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण दिन है। साथ में शनि जयंती, शनि जयंती तब होती है जब वृषभ राशि में सूर्य और चंद्रमा एक साथ होते हैं, तब शनि जयंती पड़ती है। और इस बार मंगल राजा हैं और शनि मंत्री, यानी पूरा न्याय का दिन, जो इस बार गुरुवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ रही है, शनि जयंती पड़ रही है, ये पूरा न्याय प्रिय दिन रहेगा। इसमें कोई भी कार्य, आप यदि कुछ छोटा सा भी कार्य कर लेते हैं, इसका आपको पूर्ण फल मिलेगा। बस ये है कि आपने कितनी गहराई से और कितने विश्वास के साथ यह कार्य किया है। दोस्तों, आप जानते ही, पीली सरसों तो आप जानते ही होंगे कि सभी के रसोई घर में अधिकतर होती ही है, अचार में, कई लोग अचार में डालते हैं, और कुछ बहुत सारे कार्यों में आती है, पूजन पाठ में भी उपयोग में लिया जाता है इसे, खाने में भी ये स्वाद बढ़ाती है। लेकिन आज जो अमावस्या तिथि, शनि जयंती, साथ ही बट सावित्री अमावस्या है, उसका मैं छोटे छोटे कुछ उपाय बता रही हूँ। यदि आप बहुत परेशानी में घिरे हुए हैं तो आप ये उपाय अवश्य करें। आपको लगता है कि आपके घर में नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ गई है, दिन भर कलह रहती है, या पैसा तो आता है, धन तो आता है, आपके यहाँ कमाई सब अच्छी चल रही है, लेकिन बहुत ही जल्दी, और आपको मालूम भी नहीं पड़ता कि पैसा कैसे खर्च हो रहा है, और आपका पैसा पूरा खर्च हो जाता है, आपको कहीं सेविंग करने का टाइम नहीं मिल पा रहा, सेविंग करने के लिए पैसे का समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता है। तो आप एक उपाय अवश्य करें। आप सबसे पहले तो एक छोटी सी कंडी लेकर, कंडी का मतलब होता है जो गाय की गोबरी से बनता है कंडा, उसका छोटा सा टुकड़ा लें, और यदि आपके यहाँ कोई हवन कुंड है, मिट्टी का कुछ ऐसा कसोरा टाइप का है, तो आप उसमें रख दें, जलाकर उसे अच्छे से जलाकर उसमें जब धुआं मिटने लगे, जब उसे मिट्टी के उसमें रख दीजिए कंडे को, और उस पर ये जो सरसों के दाने, आप थोड़े से लेना है, मैंने एक चुटकी, 8-10-12 दाने होना चाहिए, ज़्यादा नहीं लेना है आपको, वह डाल दीजिए उस पर। थोड़ा सा यदि शुद्ध गाय का घी हो तो वह डाल दीजिए, नहीं तो जो भी घर आपके घर में घी हो, पूजन के लिए उपयोग में लेते हो, वह घी डाल दीजिए। और थोड़ी देर में देखेंगे घी के कारण और जो सरसों डाली है और कंडी के कारण धुआं सा होने लगेगा। आप उस धुएं को आपको पूरे घर में घुमाना है, मतलब जो आपने जिस मिट्टी के बर्तन में करके रखा है, तो आपको एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक पूरे घर में आप प्रयास करें कि हर कमरे में सिर्फ एक वॉशरूम छोड़कर, आप हर कमरे के टॉयलेट वगैरह नहीं में आपको नहीं ले जाना है, बाकी पूरी जगह आप उसको इस तरीके से घुमाएं कि थोड़ा थोड़ा धुआं हर कमरे में हो जाए। आप देखना आपके घर से नेगेटिविटी एकदम समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात, यदि जो पैसे का अनावश्यक खर्च हो रहा है, कि धन आते हुए भी आपके हाथ में धन नहीं टिकता, तो यह कार्य शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब कोई ऐसा लगता है कि कुछ अनावश्यकता हमारे घर में, कुछ नेगेटिविटी ऐसी कुछ आ गई है जो हमारे घर में कुछ ना कुछ नुकसान की जा रही है, रिश्तों में तलखियाँ शुरू हो गई, रिश्तों में कुछ विवाद शुरू हो गए हैं, या पैसे की हानि होने लगी, बीमारियां रहने लगी, असमय मौतें होने लगी, तो आप यह कार्य अवश्य करें, क्योंकि इससे जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। दूसरा उपाय जो मैं बता रही हूँ, यदि आपको लगता है कि आपका जो घर का मुखिया है पुरुष, वह कुछ दिनों से चिड़चिड़ा रहने लगा है, बीमार हो गए हैं, रहने लगे हैं, या उन्हें अपने जो यदि बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, वहाँ जाने की इच्छा नहीं होती, मन में नहीं, उमंग नहीं है कि आप कुछ कार्य करना चाहते हैं, यदि ऐसा लगने लगा है, तो आप एक कार्य अवश्य करें कि आप उन्हें बताकर ही करें, ऐसा नहीं है बस टोकने की मना कर दें, पहले बोल दें उनसे कि आप टोके ना, और उन्हें एक जगह बिठा कर उन पर से 7 बार आप यह थोड़े से मुट्ठी में ले लें, 8-10 दाने पीली सरसों के, और यह आपको करना, ये वैसे शनिवार को भी कर सकते हैं, लेकिन कल गुरुवार का दिन है और पीली सरसों वैसे भी पीली है, और अमावस्या का दिन, शनि जयंती, सारे बहुत सारे साथ में सहयोग पड़ रहे हैं,
इसलिए यदि आप यह अमावस्या के दिन करते हैं, कल के दिन करते हैं, तो आपका इसको बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप उनके ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बार उतार लें, सिर से पैर तक उतारना है। उसके बाद ले जाकर उसे किसी चौराहे पर फेंक दें, पीछे पलट कर नहीं देखना, फेंक करा जाए। ये कार्य आप सुबह से रात्रि में तक कभी भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि कोई टोक देगा या आप नहीं फेंक सकते हैं चौराहे पर दिन के समय, तो आप रात्रि में भी कर सकते हैं। एक कार्य और कीजिएगा, यदि आपको लगता है कि कोई अनावश्यक उलझने आपके जीवन में आ गई हैं, कुछ कानून के कोई ऐसे मामले जिसमें आपको बेकसूर होते हुए उलझना पड़ा, या कोई शत्रु आपका खड़ा हो गया है आपके सामने और बिना बात विवाद चाहता है, तो आप उसको यदि ठंडा करना चाहते हैं, उसको इस विवाद से अपने को दूर रखना चाहते हैं, तो आप एक कार्य कीजिए कि आप एक थोड़ी सी मुट्ठी में सरसों के दाने लें और मुख्य दरवाजे से अंदर की ओर प्रवेश करें। यदि आपके यहाँ पीछे का दरवाज़ा है, पीछे का गेट है, तो आप उधर से निकलकर और सीधे पीछे गेट में जाकर आप पीछे फेंक दीजिए। यदि नहीं है तो आप बालकनी में से जाकर आप दूर हाथ करके फेंक दीजिए। आप देखना आपके घर में जो भी नेगेटिविटी या जो भी शत्रुता रखने वाला इंसान है, वह शत्रुता समाप्त कर लेगा। धीरे धीरे हो सकता है कि संबंधों में सुधार भी होने लगे। करके देखें विश्वास के साथ। और यह शनि जयंती, अमावस्या तिथि और गुरुवार, तीनों के कारण यह उपाय कल के दिन ही करना श्रेष्ठकर हुआ। नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, तो आप शनिवार के दिन, और एक शनिवार नहीं आपको लगता है कि, तो आप दूसरे शनिवार भी कर लीजिए, तीसरे शनिवार कर लीजिए, कुछ शनिवार नियम से करके देखिए। आप देखना आपके घर में कितनी पॉजिटिविटी लगने लगती है, कितना हल्कापन का एहसास होने लगता है। आपको अपने आप में लगेगा कि जैसे कोई सिर पे से भार उतरता चला जा रहा है। विश्वास करके कीजिए। ओम नमः शिवाय।